फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने रेडमी बिजनेस मॉल का जो भी बैलेंस होता है, जैसा कि हम आधार के माध्यम से जो भी विड्रॉल कर रखते हैं कस्टमरों का, और या हमारा रिचार्ज का कमीशन होता है, या जो हम अपने अर्निंग करते हैं, या हमारा जो भी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं उनका जो भी कमीशन होता है, उसको हम अपने बैंक में सेटल कैसे करेंगे रेडमी बिजनेस मॉल के एप्लीकेशन के माध्यम से, अपने बैंक के में सेटल कैसे करेंगे, अपना जो भी विड्रॉल किए हुए अपना आधार के माध्यम से जो भी विड्रॉल हम किए हुए रहते हैं उसको अपने बैंक में सेटलमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है हमें बैंक से कैश लाने के लिए, तब जाकर हम कैश कस्टमर को देते हैं, तो कैसे हम सेटलमेंट करेंगे अपने बैंक में, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करके दिखलाऊंगा और बताऊंगा भी। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन, लेफ्ट साइड में आपको एक खड़ा होगा मोबाइल का। सबसे पहले अपना रेडमी बिजनेस मॉल का एप्लीकेशन आपको ऑन करना है। यहाँ पे मैं अपना रेडमी बिजनेस मॉल का एप्लीकेशन करता हूँ, एंड जैसे ऑन करेंगे इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा, एंड उसका लॉगिन फ्रेश करना है। आपका आईडी लॉगिन होगा ही, आपका जो भी पासवर्ड होगा 6 अंक का 4 अंक का जो भी आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे अपना, एंड उसके बाद जैसे डालेंगे पासवर्ड तो इस तरह से आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर माई पासबुक में आ जाना है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 9325 रुपये मेरे वॉलेट में भी है, जो मैंने विड्रॉल किया हूँ अपने कस्टमरों का आधार के माध्यम से, तो वो मेरा इसमें शो कर रहा है। एंड यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि मेरा कमीशन क्या है, किससे कितना कमीशन आया अपना, ये भी आप चेक कर सकते हैं, है ना? आपको दिख रहा है यहाँ पर कमीशन हमको मिला है, एक APS किए हैं तो हमें रिंकू देवी का एक कमीशन में 11.04 रुपया में यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब इसको हमको, इस सारे बैलेंस को हमको अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहीं पे आपको पासबुक वाले बॉक्स में ही आपको सबसे ऊपर रिचार्ज और कैश एंड ट्रांसफ़र कैश टू बैंक आपको दिख रहा होगा 2 नंबर पर, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम। एंड उसके बाद जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से आपको एक इंटरफेस आएगा, यहाँ पे IMPS चार्ज और NEFT का चार्ज, RTGS का क्या चार्ज है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ बताया गया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं IMPS क्या है। आपको 0 से लेके 4999 तक अगर हम सेटलमेंट करते हैं अपने बैंक में IMPS के माध्यम से, तो हमें यहाँ पे 9 रुपया कट जाता है हमारे वॉलेट से एक्स्ट्रा। एंड अगर हम 5000 से 14999 तक अगर सेटल करते हैं तो हमें यहाँ पर 7 रुपये हमारे वॉलेट से एक्स्ट्रा कट जाता है। एंड IMPS 15000 से लेकर 24999 तक करते हैं तो 5 रुपये एक्स्ट्रा करता है, और 25000 टू अबव जैसे ही होता है तो 2 रुपया करता है IMPS चार्ज। तो ये एक IMPS का सर्विस, इसमें जो चार्ज है आपको इसमें बताया गया है इस कंपनी का। एंड NEFT के बारे में बताया गया, NEFT यानी 0 से लेकर 4999 तक करते हैं तो हमें यहाँ पर 3 रुपया कट जाता है NEFT, जो सेम डे बैंकिंग आवर में आ जाता है या उसके कल भरे ये पेमेंट आपके अकाउंट में आता है। एंड 5000 से लेकर 14999 करते हैं 2 रुपया कट जाता है, एंड 15000 से लेकर 24999 तक करते हैं तो हमें यहाँ पे 1 रुपया करता है। NEFT 25000 टू अबव जैसे होता है 25000 से ऊपर तो हमारा 0 रुपया यहाँ पे कट होता है। तो हम यहाँ पे IMPS करेंगे क्योंकि हमें इंस्टेंट पेमेंट की आवश्यकता है, तो हम IMPS करेंगे, है ना? तो IMPS करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले IMPS वाले कॉलम में आपको देखना है, यहाँ पे अमाउंट का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर मेरा बैलेंस शो कर रहा है, यहाँ पे मेरा बैलेंस शो कर रहा हुआ है 9325 रुपया कुछ पैसा है 0.64, तो हमें यहाँ से 9325 है, इसमें से हमको पेमेंट अपने बैंक में लेना है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस अमाउंट वाले ऑप्शन में हमको ये फिलअप करना है इसको। जैसे अमाउंट वाले ऑप्शन में हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पे हम 9307, यहाँ पे हालांकि आप यहाँ ऊपर वाले कॉलम में आप देख सकते हैं, जैसे आपका यानी कि 5000 से ऐसे ऊपर होता है तो आपको 5-7 रुपया कट होता है आपके वॉलेट से एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ पे 9307 मारेंगे यहाँ पे पेमेंट, यानी कि अकाउंट में मेरे पूरा एक 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 आरोह क्रम में आप हमारे अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा 9307, 7 रुपया डिडक्ट यहीं से हो जाएगा, वहाँ पे खल से मेरे अकाउंट में 9307 हो जाएगा, तो यहाँ से 9307 रुपया मैंने यहीं से सेलेक्ट कर दिया जो भी पेमेंट मेरे एक्स्ट्रा कटने वाला है। इस तरह से आप भी कीजिएगा, एक खल से कीजिएगा ताकि आपको पेमेंट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होता क्या है, बहुत सारे मेरे मर्चेंट या रिटेलर भाई साहब है क्या कि वो एक लिमिट मतलब एक रेशियो में पेमेंट नहीं मारते हैं, जैसे 9373 72 73 75 इस टाइप से मार दे, तो ऐसे कंडीशन में पेमेंट फंसने की भी चांसेस रहती है। तो कर इस बार ट्रांसफ़र वाले पर क्लिक करेंगे, जैसे ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे यहाँ पे अमाउंट टू वी क्रेडिट 9300 जितना अकाउंट मेरे बैलेंस में जाने वाला है वो यहाँ पे शो कर रहा है ट्रांसफ़र टू, है ना, पेमेंट टू प्रोसीड टू ट्रांसफ़र। जैसे क्लिक किए हमारे पास जो भी मेरा अकाउंट इसमें ऐड है, प्राइमरी अकाउंट कौन सा है, हमारा एडिशनल अकाउंट कौन सा है, जितना आप इसमें कंपनी के ओर से जब बताया गया था कि आप एक साथ 10 अकाउंट ऐड कर सकते हैं, अपने घर के अड़ोसी पड़ोसी सबका कर सकते हैं जिसमें जो पेमेंट आप जिसको डालना है, तो इसमें यही है कि एक बार आप डाल दीजिएगा तो फिर आपको हटेगा नहीं, आपको इस अकाउंट को यहाँ से रिमूव कराने के लिए फिर आपको कंपनी को मेल करना होगा या अपने आपको
मास्टर फ्रेंचाइज से बात करना होगा जो भी है। तो यहाँ पे हम अपने प्राइमरी अकाउंट में सेटल करते हैं पेमेंट 9300, उस पर क्लिक किया मैंने। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से कंफर्म कर देना है। कंफर्म जैसे करेंगे हमारा सारा का सारा पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाएगा। जैसे मैं कंफर्म करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कंफर्म कर दिया, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे कैश आउट ट्रांजेक्शंस का, है ना, कंग्रेचुलेशंस योर ट्रांजेक्शन वाज सक्सेसफुल। ये पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गया। देखिए हमारे ऊपर मैसेज भी आ रहा है, यहाँ पे मैसेज आ चुका है अकाउंट का, है ना, ये मैसेज भी आ चुका है मेरे ऊपर, जो मेरे बैलेंस मेरे बैंक अकाउंट में आया है उसका एक मैसेज भी आ चुका है मेरे पास क्रेडिट का। तो बहुत सारे मर्चेंट भाई लोग बोलते हैं, रिटेलर भाई लोग बोलते हैं कि हम पेमेंट सेटलमेंट करते हैं, हमारा पेमेंट आता नहीं है। तो क्यों नहीं आता है, किस लिए नहीं आता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ कि किस तरह से आपको अपना पेमेंट को सेटल करना है और सेटल करने टाइम क्या चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। जो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं, पेमेंट आपको इंस्टेंट आ जाता है। मैंने किया अभी, मैंने आपको लाइव दिखलाया और ये मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में आ चुका है। तो इस तरह से आप भी अपना पेमेंट सेटलमेंट करेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। रेडमी से जुड़े हुए सारा वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बाय।